ये बात है तब की, जब बाल्डी एक बच्चा था। वो पढ़ने में काफी होशियार था और वो हमेशा फर्स्ट भी आया करता था। लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने बड़े होकर टीचर बनने का सोचा और टीचर बनने के बाद बच्चों की बहुत कुटाई करने लगा। तो चलिए जानते हैं ये कहानी को इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो बाल्डी जो स्कूल में पढ़ता था, वहाँ सिर्फ क्लास 8 तक ही पढ़ाई होती थी और क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक बाल्डी हर क्लास में टॉप रहा और सबको लग रहा था कि बाल्डी का भविष्य तो बहुत ही सुनहरा होने वाला है, ये लाइफ में कुछ करेगा। और 8 के बाद उसके पेरेंट्स ने उसका दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया। अब बाल्डी मस्त तेल पाउडर और गले में वाटर बॉटल लटका कर पहुंचा अपने स्कूल में। और जैसे ही वो स्कूल पहुंचा, क्लास खत्म होने के बाद वो रिसेस में टिफिन खाने के लिए चला गया। रास्ते में जाते जाते वो टकराया कुछ बच्चों से। वो बच्चे उसके सीनियर्स थे। उन बच्चों ने उसके बहुत मजे लिए। चंपू, चूतिया, भोलू, लोड़ू, मेरा मतलब उसे बहुत चिढ़ाया गया और इसीलिए बाल्डी की स्कूल जाने से फटती थी। और बाल्डी कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि बाल्डी एक फ्रंट बेंचर था। और तभी बाल्डी के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जो सिर्फ फ्रंट बेंचर्स के दिमाग में ही आ सकता है। बाल्डी ने सोचा कि वो टीचर से कंप्लेन करेगा, लेकिन इससे पहले वो टीचर तक पहुंचता, उन बच्चों ने उसे धमकी दिया कि अगर तूने करी कंप्लेन तो स्कूल के बीच में उतारेंगे हम तुम्हारी पैंट। अब बाल्डी और भी डर गया कि अगर उसने कंप्लेन कर दिया तो पूरे स्कूल को उसके साइज के बारे में पता चल जाएगा। बाल्डी डर के मारे ये सब सहता रहा और इसका असर उसके मार्क्स पर दिखने लगा। बाल्डी के मार्क्स दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे थे और बाल्डी बहुत ही ज्यादा उदास था, क्योंकि उसके लाइफ में सिर्फ कुछ बड़ा था तो वो थे उसके मार्क्स, नॉट बैंगन। बाल्डी के पेरेंट्स ने भी उसे बहुत डांटा और एक दिन वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया और उसने सारी बात जाकर अपने पेरेंट्स को बता दी। उसके पेरेंट्स ने स्कूल में कंप्लेन करी और इसके बाद उन बच्चों को पनिशमेंट दी गई। लेकिन ये सब यही पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बाल्डी पर इसका बहुत ही बुरा असर हुआ और उसका पढ़ाई पर से पूरा फोकस चला गया था। बाल्डी ने फिर एक आइडिया सोचा जो कि सिर्फ एक फ्रंट बेंचर ही सोच सकता है, कि वो बड़ा होकर टीचर बनेगा और जो उसके साथ हुआ वो किसी के साथ भी होने नहीं देगा। खैर, ये तो थी बाल्डी की बात। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते, कमेंट सेक्शन में भी बताइए। और रही बात मेरी, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं शक्तिमान की तरह करता घूम घूम और मारता हरामी बच्चों को बूम बूम। मस्त जोक मारा यार, हंस रहे हलकट हंस। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदे पत्तों की गोद में। तो बाल्डी ने अपने सपनों को पूरा किया और वो बन गया एक टीचर और वो काफी अच्छा टीचर बना। जो बच्चे पढ़ते थे वो उसे गिफ्ट दिया करता था और जो बच्चे हरामी थे, जो पढ़ते नहीं थे, वो उनकी ग्रैंड मस्ती कर देता था, यानी कि वो उनकी लाल कर देता था। अब क्या लाल करता था, कैसे लाल करता था, हरामी बच्चों कमेंट सेक्शन आपका है, भर दो। और उसके टारगेट पर दो बच्चे आ चुके थे, एक का नाम था मोंटी और एक का बंटी। तो एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद मोंटी को याद आया कि वो अपने 7 बुक्स स्कूल में ही भूल गया है। क्या बकचो। मोंटी ने बंटी से कहा कि वो बुक्स को लेकर आए क्योंकि उसे डांस प्रैक्टिस के लिए लेट हो रहा है, लेकिन बंटी ने मना कर दिया क्योंकि स्कूल में जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि बाल्डी सर स्कूल छुट्टी होने के 1 या 2 घंटे बाद ही निकलता है। गुस्सा हो गया यार ये, ओ फक। लेकिन मोंटी ने बंटी से एक ऐसी बात कह दी जो कहकर आप अपने दोस्तों से कुछ भी काम करवा सकते हैं। उसने कहा, ए तू मेरा दोस्त नहीं है, तुम्हें अगर मेरा सच्चा दोस्त होता तो जो जाता अंडी बंडी शंडी, जो मेरा बुक्स नहीं लाएगा उसकी माँ। अबे ओए। बंटी ने जैसे ही मेन गेट से एंट्री मारी, वहाँ पर खड़ा था बाल्डी और बाल्डी ने बंटी से कहा कि यहाँ क्या करने आए हो।
बंटी ने सारी बात बाल्टी को बताई और बाल्टी ने उसे बुक्स लेने के लिए परमिशन दे दी। लेकिन बाल्टी ने एक शर्त रखी कि जब भी कोई बुक बंटी उठाएगा उसे कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे और अगर बंटी इसमें नाकाम रहता है तो बाल्टी बंटी की घंटी बजा देगा। बंटी डरते सहमते एक बुक की ओर पहुंचा और वो सारे आंसर्स देने में कामयाब हो गया और अब बंटी बढ़ने लगा दूसरे बुक ढूंढने की ओर और उसे वो बुक मिल गई। लेकिन इस बार बंटी से एक आंसर रॉन्ग हो गया। और बाल्टी बंटी की घंटी बजाने उसकी ओर तेजी से आने लगा, लेकिन बंटी भी था चालाक और वो वहां से बचकर भाग गया। बंटी ने सोचा कि कैसे भी बचकर वो सारी बुक्स लेकर वहाँ से निकल जाएगा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला था क्योंकि बंटी के रास्ते में काफी सारे अड़चने आने वाली थे। जैसे कि स्कूल का प्रिंसिपल जो कोई भी रूल्स तोड़ने पर बच्चों को पनिशमेंट देता था। रूल्स भी थे तो आंडू गांडू टाइप, कहीं नहीं खाना, पानी नहीं पीना, स्टाफ रूम में नहीं जाना वगैरह वगैरह। और वहाँ पर एक अंधी बच्ची भी थी जो किसी का भी पकड़ कर खेलने लगती थी। और एक आर्ट्स एंड क्राफ्टर्स नाम का बंदा जो जलता था उन लोगों से जिनके पास बुक्स होती थी। और सोने पे सुहागा था बुल्ली नॉट बुल्ला, जिसे बच्चों को बुली करने में मजा आता था। और इन सब से बचकर, बाल्टी से बचकर, बुक्स लेकर बंटी को निकलना है उस स्कूल से बाहर। क्या वो स्कूल से निकल पाएगा? जी हाँ, वो सेफली बचकर तो निकल जाता है, लेकिन उसके रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं ये जानने के लिए आपको खेलना होगा बाल्टी स्पेसिक्स, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। एंड ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं आजकल जनरली कुछ हॉरर गेम्स खेल रहा हूँ और जो जो मुझे मजा लगता है तो उनके बारे में आपको बताता हूँ ताकि आप भी उनका मजा लो, क्योंकि ये चैनल ही कुछ ऐसा है। यहाँ हम SCPs, ट्रेवर हेंडरसन के क्रिएटर्स और हॉरर गेम्स सबके बारे में एक्सप्लेन करते हैं और मस्ती से जीते हैं। और इस वीडियो में बताए गए मोंटी और बंटी के नाम गेम में इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, वो केवल आपके मनोरंजन के लिए ही थे।